नमस्कार, मैं लक्ष्मीनारायण ग्राम बगचौली कार ग्राम पंचायत बोधपुरा का रहने वाला हूं। साथियों, आज की चर्चा का विषय है नैनो यूरिया और यूरिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी किसान हैं और किसानों के लिए लागत को कम करना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। आज के युग में बिना उर्वरक के कोई भी फसल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है और अब जितनी हम लागत कम कर लेंगे उतना हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। साथियों, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या परिवहन की आती है, टाइम की आती है और किसान के लिए सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो समय की होती है। अगर हम यूरिया का कट्टा बाज़ार से लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ कभी कभी सीजन के टाइम में हमें सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ता है और हर स्टोर पर ये मिलता नहीं है। पिछले गत वर्ष जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक साहब हैं इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं काफ़ी जागरूक किसान माना जाता हूं, क्योंकि मैं 35 बीघा मेरे गेहूं भी हैं और 35 बीघा के लगभग मैंने और लोगों के खेत बटाई पर लेकर आलू भी किए हैं। तो मैं कृषि विभाग के संपर्क में रहता हूं। इन्होंने मुझे नैनो यूरिया के बारे में बताया कि आप यूरिया कट्टा इतना लेकर आते हो, साधन ले जाना पड़ता है, क्यों ना आप नैनो जो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर आता है उसका उपयोग करें। तो पिछले साल मार्केट में लगभग 240 रुपये में 500 ml की जो बोतल है उसको लेकर आया और मैंने उसे अपने 1.5 बीघा आलू की फसल में उसको काम में लिया। तो जो आलू की फसल की जो चमक थी, उत्पादन था, वो लगभग सही था, अच्छा था। तो दोस्तों, नैनो यूरिया से कई बेनिफिट हैं। पहली प्रॉब्लम तो हमारी कैसे को हम आसानी से ला सकते हैं, इसके लिए हमें किसी भी साधन की या परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने बाइक से जाओ, किसी भी स्टोर से आप आराम आसानी से ला सकते हैं और एक अकेला व्यक्ति ही 10 बीघा 20 बीघा आलू में आसानी से छिड़क सकता है। यूरिया से अगर हम यूरिया को खेत में देते हैं तो फसल को प्रॉपर तरीके से यूरिया के जो नाइट्रोजन मिलती है वो नहीं मिल पाती। नैनो यूरिया के छिड़काव से हमारी जो फसल है उसकी चमक आप लोग देख रहे होंगे, जो शायद यूरिया से काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को नैनो यूरिया उपयोग करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इससे हमारी बचत भी होती है, हमारे समय की बचत होती है और हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित होने से बचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, जो हम यूरिया खेतों में फेंकते हैं उससे पर्याप्त मात्रा में हमारी फसल को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, या तो वो नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है या वो क्या है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। और किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे यूरिया के? किसान संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपनी लागत को कम करना चाहते हैं तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। थैंक यू।